दोस्तों फाइनली गूगल पिक्सल 7 ये जो है इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है और ये बात जो है पूरी कंफर्म हो चुकी है। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, वो सारी कंफर्म डिटेल आपको बताने वाला हूँ, कब ये लॉन्च होने वाला है और इसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और ऐसे वीडियो देखने के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर जो है पिक्सल 6a से जो है इंप्रूव यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको वही 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि एमोलेड होने वाली है, लेकिन यहाँ पर 60 हर्ट्ज की नहीं, आपको 90 हर्ट्ज की जो है फास्ट रिफ्रेश रेट वाली जो है स्क्रीन आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर 6a से जो है आपको स्क्रीन जो है इंप्रूव मिलने वाली है। और अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पर पिक्सल 7 में भी जो है आपको पिक्सल 7 और 7 प्रो वाला ही टेंसर का G2 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो कि गूगल की तरफ से डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर प्रोसेसर जो है आपको वही फ्लैगशिप वाला ही देखने को मिलने वाला है। और बात करें अगर रैम और स्टोरेज के बारे में तो यहाँ पर आपको एक ही वेरियंट देखने को मिला है जिसमें आपको 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज मिलने वाली है। और यहाँ पर जो स्टोरेज है वो आपको UFS 3.1 वाला ही देखने को मिलने वाला है। बात करें बैटरी के बारे में तो यहाँ पर पिक्सल 7 में भी आपको 4400mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। साथ में आपको मिलने वाला है 20W का वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को है, लेकिन आपको चार्जर देखने को नहीं मिलने वाला है बॉक्स के अंदर, आपको जो है चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। और बात करें अगर पिक्सल 7 के कैमरा के बारे में तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली है। सबसे पहले चीज यहां पर एक 64MP का OIS वाला कैमरा जो है मेन कैमरा जो है आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही में जो आपको 12MP का अल्ट्रा वाइड भी कैमरा देखने को मिलने वाला है और फ्रंट में आपको 10.8MP का जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। और एक और बात बता दूं कि यहां पर जो 64MP का जो यहां पर सेंसर देखने को मिलवाला है वो एकदम नया सेंसर होने वाला है, क्योंकि पहले क्या होता था कि अभी तक क्या होता था कि पिक्सल 3 वाला ही सेंसर पर जो है पिक्सल यूज करता था, लेकिन पहली बार पिक्सल 7 में जो है सोनी का नया सेंसर आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखने के बाद ये होगी ये जो सेंसर है कैसे वर्क करता है और इसकी इमेज जो है अच्छी होती है या फिर बेकार होती है, वो जो चीज है वो तो लॉन्च के बाद ही पता चल पाएगा। और बात करें अगर लॉन्च डेट के बारे में तो ये जो है गूगल का IO जो कि 10 मई को होने वाला है उसी दिन जो है वो लॉन्च होने वाला है। और बात करें अगर प्राइसिंग के बारे में तो ये जो फोन है इंडिया में 40 से 43 के बीच में लॉन्च होने वाला है। अगर इससे ज्यादा का हुआ तो यहाँ पर जो है गूगल की ये बहुत ही बेकार स्ट्रेटजी होगी। अगर ये फोन 43,000 से ज्यादा का होता है तो आपको पता ही आपको क्या करना है, आपको जो है फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल का वेट करना है, क्योंकि ये जो प्राइस है 40 से 43 के बीच में अगर ये इसमें लॉन्च होता है तो ये जो है काफी अच्छी डील होने वाली है। तो आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।